जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस SRPS बस्ती। टुडे वी विल रिवाइज द सिलेबस रिगार्डिंग हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ओके, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो भी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर ऑल्सो। बट आपको रिवाइज सिलेबस पता है कि CBSE के सिलेबस में रिवाइज सिलेबस भेजा गया है, यानी कुछ पोर्शन उसमें से डिलीट भी किया गया है। ओके, तो स्पेशली आपको इस पे ध्यान देना है कि जो डिलीटेड पोर्शन है उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, तो अभी जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो भी सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं, उसी से रिलेटेड पोर्शन आपको सिर्फ स्टडी करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थर्ड चैप्टर में आपका मेटलर्जी पोर्शन जो था, जिसमें आयनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज़ तक ही आपको पढ़ना है, उसके बाद जो भी पोर्शन दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स उसको नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन में है। सेकेंड चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपके पास कंटेंट है पढ़ने के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में आपको पता है एसिड H+ डोनर होता है, बेस OH- डोनर होता है और सॉल्ट्स में कैटायन एंड एनायन होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल NaCl, MgCl2, ये सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं। इसमें कैटायन एनायन प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ओके, बैलेंसिंग, इनका चार्ज बैलेंस होता है। बेस की बात आप जानते हैं कि इसका pH हमेशा 7 के एबव होता है। ओके, यानी 7.1 से स्टार्ट होता है बेसिक अप टू 14। और एसिड में आपको पता है इसका pH होता है 0 to 7 कह सकते हैं, लेकिन 7 न्यूट्रल होता है इसलिए हम लिखेंगे 6.9। ओके, यानी कि 7 जो pH है वो न्यूट्रल के लिए होता है, तो उससे लोअर वैल्यू जो होती है वो एसिडिक है और उससे हायर वैल्यू 14 तक जो होती है वो बेसिक होती है। ओके, फिर आपको सॉल्ट्स पे ध्यान देना है कि सॉल्ट्स में आपके पास पढ़ने के लिए चार चीज़ें हैं, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कॉमन सॉल्ट के बारे में भी पढ़ना है। ओके, तो इसमें इक्वेशंस है इम्पॉर्टेंट कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है। ओके, क्विक लाइम क्या होता है, स्लेग लाइम क्या होता है, उससे हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म करते हैं, कौन सी गैस पास कराते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बुक में भी हैं और हमने पहले भी क्लास में स्टडी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं स्लेग लाइम। अगर इससे हम क्लोरीन गैस पास कराएं तो ये बनाता है CaOCl2+H2O। ओके, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है और जिप्सम का क्या होता है। जिप्सम का है CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। ओके, इसे हम जब हीट करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ½H2O। ओके, यानी 2H2O में से ½H2O निकल गया तो बचा क्या, 1½H2O। ओके, या फिर यहाँ पर 3/2 भी लिखा हो सकता है। ओके, इसकी जगह यहाँ पर 3/2 भी लिखा हो सकता है, 3/2H2O। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये जिप्सम है। ओके, दिस वन इज़ जिप्सम एंड दिस वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी शॉर्ट में बोला जाता है। ओके, और फिर यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि POP से फिर जिप्सम अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, तो आपको पता है कि इसमें फिर से अगर ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में रखा गया है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि वाटर एडिशन होगा और वाटर ऐड होने के बाद फिर से जिप्सम फॉर्म कर लेता है। और ये जो वाटर अटैच होता है डॉट लगा के, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ये भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है स्टूडेंट्स। मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, आपको बुक से मैंने जो मैं आपको पोर्शन कौन सा डिलेटेड है और कौन सा आपको स्टडी करना है वो दोनों भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ,
और उसके साथ आपको स्टडी करनी है। बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज सिलेबस के बाद भेजा जा रहा है, वो सारा आपको स्टडी करना है, ओके, रिवाइज करना है। और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप डाउट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोरोजन क्या होता है? आयरन मेटल का क्रोजन होता है या और भी मेटल के क्रोजन हो सकते हैं। क्रोजन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं तब क्रोजन होता है, उसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसे भी आपको स्टडी करना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। और आपको फर्स्ट चैप्टर का पता है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है, दोनों चीज़ें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को भी स्टडी करना है। उसमें आपका मेन पोर्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, सबको पता है ये। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। ऑक्सीडेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। और ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आता है। और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज इंक्रीज होता है, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ओके। यानी फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बन गया, Mg से Mg2+ बन गया, तो यहाँ पर सिंगल एलिमेंट का चार्ज होता है ज़ीरो और यहाँ पर हो गया टू प्लस, यानी ज़ीरो से टू प्लस यानी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज मींस ऑक्सीडेशन, ओके, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ओके, तभी यहाँ पर प्लस चार्ज आता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का मतलब क्या होता है? डिक्रीज का मतलब होता है सपोज़ यहाँ पर सी एल माइनस है, ओके, और यहाँ पर सी एल टू फॉर्म हो गया, यानी सपोज टू सी एल माइनस है और यहाँ पर क्लोरीन सी एल टू बन गया, तो क्लोराइड आयन से सी एल टू बनने का मतलब यहाँ पर चार्ज ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये इस पर अब कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर चार्ज क्या था? माइनस। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें कि माइनस वन से ज़ीरो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस वन से ज़ीरो हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ओके, ये भी इसी में आएगा, क्योंकि माइनस वन से ज़ीरो होने का मतलब इंक्रीज है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखिए यहाँ से माइनस चार्ज एक्स्ट्रा है, अगर ये हटेगा तो ये सी एल टू बनेगा, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है तो ज़ीरो हो रहा है, यानी कि बढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे एफ ई थ्री प्लस है, ओके, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? एफ ई टू प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी तीन इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, यानी यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, लूज़ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर थ्री प्लस से टू प्लस होने का मतलब है डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया एग्जाम्पल रिडक्शन का, ओके। बाकी आप सबको पता है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ए प्लस बी इफ सी कॉम्बिनेशन, ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब अगर एक सब्सटेंस से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन है, ये डिकम्पोजिशन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, अगर ए बी प्लस सी है तो सी सपोज बी को डिस्प्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में, तो लिखेंगे ए सी प्लस बी, यानी सी ने बी को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से कई एग्जांपल्स हैं, वो सब आपको याद करना है। और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है ए बी प्लस सी डी, ओके, यानी दोनों कैटायन एनायन एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि ए के साथ सी अटैच हो जाएगा और बी के साथ डी, तो ए सी प्लस बी डी, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोरोजन और रैंसिडिटी आपको पता है, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो जाना, यानी कि वो चीज़ फूड आइटम का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जैसे चिप्स के पैकेट को हम खुला नहीं रख सकते क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो रैंसिड हो जाता है, यानी
ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। तो रेंसिडिटी, कोरोजन, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में भी सॉल्ट से रिलेटेड चीज़ें कि सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आज आप इतना जो मैंने आपको रिवाइज कराया ये सारा पोर्शन कंप्लीट करिएगा। और डाउट क्लास में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सेक्शन सी के स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे डाउट क्लास में बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे आपको उसका वीडियो बना के सेंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।